मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और मैं तो 7:30 बजे ही उठ के ना फ्रेश होकर रेडी होकर रखा हूँ। लेकिन भाई साहब अभी तक मेरा पैकिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, और आप लोगों को जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो सोच रहे हो कि कहाँ जाने का पैकिंग चल रहा है। तो भाई साहब आज हमारा ट्रिप का पहला दिन है, सो फटाक से रेडी होते हैं। हम तो रेडी हो चुके हैं, लेकिन मेरा सामान जो है ना ये यहाँ पे अभी तक रखा हुआ है, जो कि पूरा पूरी पैकिंग अभी तक नहीं हुआ है। और बहुत सारा एक्सेसरीज वगैरह का सामान है वो भी पैकिंग करना है। और जिन जिनको पता नहीं है कि कहाँ पर आज का हमारा जर्नी जो है कहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, तो मैं बता दूँ आज जो है ना कि हम लोग ट्रेकिंग पे जाने वाले हैं, वो भी 5 से 6 दिन के लिए। मतलब 8 तारीख से हमारा जर्नी स्टार्ट है। आज है 8 तारीख, 8 अप्रैल 2023, और इस साल का हमारा फर्स्ट ट्रिप है 2023 का। होप कि सब बढ़िया रहे। और करीबन करीबन 14th को हमारा रिटर्न ट्रेन है, जो कि यहाँ पे कोलकाता में फिर पहुँचाएगा 15th को। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी धाराधार 6-7 वीडियो आने वाला है। और फर्स्ट वीडियो अगर टाइम टू टाइम आ गया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सेकेंड थर्ड फोर्थ वीडियो होप कि टाइमली आ जाए, क्योंकि अगर हम लोग पहाड़ पर एक बार पहुँच गए तो भाई सब नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू हो सकता है, इसके वजह से ना थोड़ा बहुत टाइम का हेर फेर हो सकता है। होप कि टाइम टू टाइम वीडियो जो है ना पब्लिश हो जाए, दैट्स इट। चलो जिन्होंने भी इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, जल्दी से जल्दी इंस्टा पे ही ज़्यादा अपडेट मिलता है, दैट्स इट। अभी क्या है ना कि दुकान जाना है, दुकान पे बहुत सारा काम है, 2-3 काम है, इमरजेंसी काम है, उसको निपटाना है। उसके बाद भाई साहब फिर घर वापस 1-1.5 घंटा में 2:45 पे हमारा ट्रेन है, और हम लोग 7% जाने वाले हैं। बस मिलते रहे गाइस, और मैं वीडियो छोड़ता रहूँगा। चलो अभी क्या है ना कि पैकिंग सब कर लेते हैं। सो भाई साहब टाइम अपडेट 9:17 मैं बता रहा ना कि 6% कन्फर्म है, 1% कन्फर्म अभी तक नहीं है। फाइनली भाई साहब ये मोदी भैया सॉन्टी आज हमारे साथ नहीं जाने वाला है, क्योंकि उसका ना घर पे थोड़ा दिक्कत चल रहा है पापा का, इसी कारण वो दुकान संभालेगा और हम लोग मजा मारेंगे। मुँह देखो ना इसका, ये झूठा स्माइल है। और ये राजदीप सुबह सुबह सबका खबर लेने आ गए कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। सोमित क्या बोला सुबह फोन करके, बैग कैसे बिछाएंगे। वो सोमित भाई साहब वो पूछ रहे हैं, एक तो मेरा बैग पहले हरा दिया, उसके बाद देखो मिल गया मेरा बैग कहाँ पे है। और दूसरा बात है कि वो बैग कैसे वो पैक करेगा वो दूसरे से पूछ रहे। 6-7 ट्रिप हो गया अभी। हाँ 6-7 ट्रिप हो गया, उसके बाद भी पूछ रहे बैग कैसे पैक करे। तो चलो अभी कहने की वीडियो को यही एंड करते हैं, दुकान जाते हैं, काम वर्क निपटाते हैं, देन घर पे पैकिंग पे मिलते हैं आप लोगों से। टाटा। सो गाइस मैं दुकान आके पहुंच चुका हूँ, और ये चेक करें यहाँ पे दो सामान है। ये मोबाइल का LCD चेंज होगा, और इस मोबाइल का बैटरी चेंज होगा, ये मोबाइल का ASUS का। तो जिसके वजह से ना मेरे को मार्केट निकलना है, अभी 10 बजे मार्केट निकलेंगे, फिर 11 बजे तक वापस, फिर इसको फिटिंग करेंगे, हैंडओवर करेंगे, देन जाके भाई साहब पूरा जो है ना पैक्ड अप के लिए रेडी होंगे। तो चलो इसका काम निपटा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सुबह के हो रहे 10:30, और ये और एक बंदा आ गया जो कि हम लोग एक साथ जा रहे हैं, हम भास्कर पीकू, और ये किसको देखो मोदी। अभी कहने सुबह तो वीडियो बना के गए थे, लेकिन अभी मैं मार्केट निकल रहा हूँ, मार्केट से आएंगे। हाँ नो इशू आ जाएंगे, एक घंटे इसका मुंह देखो, मार्केट जाने के बाद आस्ते भर भी ना मार्केट जाएंगे, मार्केट से आने दो, फिर मिलते हैं घर पे आप लोगों से। सब मार्केट का दुकान का हर एक काम कंप्लीट, और टाइम अपडेट 12:25। और ये भाई साहब मुंह दिखा, यही वो बंदा है जो मेरा ट्रैकिंग का बैग ना लेके रखा है, और बोल रहा था कि मेरे पास नहीं है। अब ये उसी ट्रैकिंग का बैग पे ना ये लेके जा रहा है, मैं अपना वाइफ का बैग लेके जा रहा हूँ। नहीं है अभी भी, नहीं है अभी भी, नहीं देने वाला। सोमित जा रहा है, पल्लव जा रहा है, और ये भाई साहब टाटा। चलो अभी फटाफट घर में जाते हैं, पैकिंग वगैरह करते हैं, फिर निकलने का तैयारी होता है। ये चेक मारो भाई साहब, मैं नहा धहा के रेडी, और टाइम अपडेट दोपहर के 1:05 हो चुका है। हमारा ट्रेन है 2:45 को,
मतलब यहाँ से अगर हम लोग 1:30 बजे या 2 बजे भी निकलते तो इजीली सियालदह स्टेशन पहुँच जाएंगे। और ये यहाँ पे ना अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको पूरा जो है ना सामान को एक एक करके चेक करके बैग में ढुकाना है। और यहाँ पे देखो अभी भी मतलब पैकिंग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रखा हुआ है हर एक चीज़, और उसमें भी उन लोगों का फ्रेंड लोगों का सारे काम कम्प्लीट हो गया। इसको पैकअप करते हैं फिर रवाना होते आज के हमारे जर्नी की तरफ। सो गाइस फाइनली पैकिंग डन, यहाँ पे गोप्रो रखते हैं। और ये बैग का वेट कितना हुआ है, इस बैग का वेट एक बार मेजर करके दिखाते हैं आप लोगों को। एक सेकंड, ये चेक करें मेरा वेट है, बाप रे बाप 62। और एक बारी इस बैग का वेट चेक करते हैं, भाई साहब 8.5 kg 9 kg का बैग है ये, बाप रे बाप। होप की परेशानी ना हो। तो चलो मिलते हैं नीचे, क्योंकि वो लोग बहुत देर से घर आए, मेरे को बोल रहे कि कैब बुक नहीं कर पा रहे थे, जल्दी से जल्दी आ। अभी क्या नहीं, वो जूता लेना है, पहनना है, इसको लेना है, गोप्रो लेना है, देन फूड। आई एम रेडी टू गो। और ऐसा कुछ लग रहा है, ये चेक करें। चलो अभी फटाक से नीचे मिलते हैं आप लोगों से, कैब बुक करते हैं फिर सियालदह। चलो टाटा। सो कैब आ चुका है, अभी कहीं गोप्रो थोड़ा सा हैंग किया था लेकिन अभी चालू है, इसी कारण फोन से रिकॉर्ड कर रहे। चलो टाटा। और पहला वाला जो कैब था ना उस पर सब चेक सब निकल गया है। सो फाइनली हम लोग कैब पे चढ़ चुके हैं, ये चेक करें हमारे पीछे दीपक दा और भास्कर। और टाइम अपडेट, दोपहर के 1:44 हो रहा है और यहाँ से 15 से 20 मिनट में भी लगने वाला है। हम लोग का ट्रेन कितना बजे है? 2:40। तो चलो स्ट्रेट मिलते हैं आप लोगों से सियालदह स्टेशन पे। फाइनली पहुंच चुके हैं सियालदह स्टेशन। और ये चेक करें मेरा बैग फिलहाल से इसके पास है और गोप्रो भाई साहब फिर से हैंग कर गया। ये स्टेशन अभी कहने स्टेशन प्लेटफॉर्म है ना वो ओ ये उधर रख ना। हम लोग का बॉगी नंबर है S3 और इसी पे हम लोग पहले तो अंदर हम लोग अपने बॉगी के पास तो पहुंच चुके थे लेकिन डिसाइड किए कि बाहर 2-4 फोटो क्लिक करने के बाद अंदर जाएंगे। इसी कारण हम लोग डिसाइड मतलब सोच रहे हैं कि कहाँ पे रखा जाए। सोमित बैठ के बात कर रहा था तो भास्कर क्या किया ना उसको मारने लगा, ये देखो फिर वो क्या किया वो फेडअप होके ना फिर वो उठा भास्कर को मारने के लिए, देखो। और ऊपर से पीकू भी उसको मारे जा रहा था, धाप धूप बस ऐसे ही चलते चलते कब अचानक ट्रेन विसल मार दिया पता नहीं चला। अभी कहना कि यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, बैग वगैरह जो है ट्रेन पे रखा हुआ है
और सोमित को ये ना पोज दे रहे यहाँ पे खड़ा होकर, इसको बोला कि थोड़ा दांत निकाल, ये चेक करे, ये दांत निकाला है ये देखो इसके दांत तो गाइस फाइनली हम लोग ट्रेन पे चढ़ चुके हैं। और एक मजे का बात क्या है पता है, जितना भी चार नंबर सीट है मतलब 24, 34, 64, 74 सब हमारा है, और सब के सब अपर वाला सीट है, साइड अपर भाई साहब सोच रहे हो अगर एक ही सब साइड अपर 24 से 64 तक। हाय कुली, तू बात दूसरा टिप मेरे आए, ओके খেতে কেমন ও চা খেতে কেমন রে ঠিক ঠিক দাওয়াই নিয়ে একটা দিমাগটা খাবে তো এখন কি খাবার ইচ্ছে হচ্ছে এখন এ ভাই নিজের বগি ছেড়ে এখানে কি করছিস এখানে টিকিট করে দে আগা তোর নামে টিকিট দে আগা फाइनली न्यू अलीपुर द्वार हम लोग पहुंच चुके हैं। रात में क्या